जो है वो बदल जाए। आपका जीवन कब बदलेगा? जब आपका विचार बदलेगा, आपके सोचने का ढंग बदलेगा। आपकी सोचने के ढंग में क्या परिवर्तन आएगा? ये परिवर्तन आएगा कि अभी आपका सामान्य स्तर पर ये सोचना है कि ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा बच्चा है, ये एक सीमा में आप सोचते हो। लेकिन जब आप साधना करते करते आपकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है, तब वो सीमा धीरे धीरे टूटनी शुरू हो जाती है। फिर आपके परिवार से, छोटे परिवार को हटा करके आप बड़े परिवार को अपना बनाना शुरू करते हो। कितना सुंदर विधान है ऋषियों ने हमें दिया कि एक आप छोटे परिवार से बड़े परिवार को कैसे बनाओ, कि जहां आप एक जगह, जैसे हम बैठे हैं इस समय, तो ऐसा लगता है कि सारा एक परिवार है। अब किस किस परिवार के लोग यहाँ पर बैठे हैं, सब परिवार हमारे अपने लग रहे हैं और हमें लगता है कि हम सब एक परिवार हैं। इसका अभिप्राय कि छोटे परिवार की सीमा तोड़ करके अब हम एक बड़े परिवार के सदस्य हो गए। अब बड़े परिवार, इतना ही परिवार हमारा नहीं है, इतने परिवार से हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा कि इसको ही अपना समझें, बल्कि धीरे धीरे जब चिंतन करते हुए हमें ये समझ आने लगेगा कि हर एक के हृदय में विराजमान प्रभु, वो सबके हृदय में विराजमान है और सब हमारे अपने हैं। जब सर्वभूत हितेरता की स्थिति आएगी, तब आपकी ये सारी सीमाएं टूट जाएंगी। फिर ये नहीं होगा कि हम हिंदू हैं, फिर क्या होगा कि हम एक मानव हैं। वो मानव जो है, उस मानव मात्र के लिए वसुधैव कुटुंबकम का हमें यह संदेश दिया गया कि वसुधा भर पर जितने लोग हैं वो सारा हमारा अपना कुटुंब है। हमें ये नहीं कहा कि ये हमारा कुटुंब है। कुटुंब जो, वो परिवार जो है, जो जैसे छोटा परिवार आपका है, आप पति पत्नी बच्चे हो, तो ये इसलिए बनाया गया कि आप बड़े परिवार को के से एक होने के लिए इस परिवार को एक एक सहायक समझो। ये नहीं कि इस परिवार तक ही सीमित रह करके इसी के लिए कमाओ, इसी के लिए आप सारी जिंदगी खपा दो और बड़े परिवार के लिए आपको फुर्सत ही ना हो सोचने की कि हमारा एक कोई बड़ा परिवार भी है। वास्तव में चिंतन करते हुए अनुभव होने लगता है कि परिवार हमारा तो वसुधा भर है, पूरी वसुधा पर जितने लोग हैं वो हमारे अपने सदस्य हैं, परिवार के सदस्य हैं। ये भूमि हमारी माँ है और वो देव हमारा पिता है। ये चिंतन के द्वारा बुद्धि शुद्ध होने पर अपने आप अनुभव होने लगता है। जो बातें हम यहाँ सुनते हैं, पहले तो हमें सुनने में लगता है, ये बातें सुनते हैं अच्छी लगती हैं, तो ये ज्ञान जो है हमारे अंदर है, कहीं बाहर से नहीं आने वाला। जो ज्ञान हमें सुनने को मिलता है बड़ा अच्छा लगता है, इसका अभिप्राय कि वो हमारे अंदर का ज्ञान ही है, इसीलिए वो बातें हमारी अपनी लगती हैं। तो ज्ञान सुनते सुनते क्या होने लगता है कि आपकी बुद्धि जो है उसके अंदर, वो बुद्धि सूक्ष्म होकर के वो विचार करने में सक्षम हो जाती है और विचार करते करते आपको अपने आप अनुभूति होने लगती है। आपके परिवार की सीमा टूट करके बड़े परिवार के आप सदस्य बन जाते हो। आपको धीरे धीरे हर एक के अंदर वो प्रभु अनुभव होने लगता है, तो आपका व्यवहार जो है उस समय विषम नहीं रहता, सम व्यवहार होता है। हर एक के हृदय में रहने वाले प्रभु के नाते आप जीवन में व्यवहार करते हो। तो हमारे जीवन का लक्ष्य यही है कि हम, जो भगवान राम ने हमें ये संदेश दिया कि ये वास्तव में मनुष्य जीवन जो है, ये साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये साधन का धाम है और मोक्ष का द्वार है। और वो मोक्ष का द्वार हमें कब प्राप्त होगा? जब हम साधना में अपने आप को प्रवृत्त करेंगे। जैसे बाकी शरीर को भोजन देते हैं, शरीर को सजाते हैं, शरीर के लिए हम सब कुछ करते हैं, तो वो शरीर जो है, उस शरीर, वो शरीर ही केवल हम नहीं है, बल्कि जैसे शरीर को भोजन देना है, ऐसे आत्मा का भी आहार निश्चित है। शरीर को भोजन दोगे, शरीर बलिष्ठ बनेगा, आत्मा को आहार देगो, आत्मा बलवान बनेगी। तो आत्मा का आहार क्या है? सद्विचार। आत्मा का आहार क्या है? प्रभु का नाम, प्रभु का मंत्र का जप, प्रभु के चरित्र का चिंतन, ये आत्मा का आहार है। क्योंकि हमारी आत्मा उस परमपिता परमात्मा का ही एक अंश होने के नाते जब हम परमात्मा का चिंतन करते हैं, क्योंकि वो उसका अंश है, इसलिए उसका चिंतन करते करते उसके अंश को भी शक्ति मिलती है। जिसका हम चिंतन करते हैं, हमारी मेंटल वेव्स वहां जाती हैं। जब वहां जाती हैं तो वहां जो कुछ होता है वो ला करके हमें देती हैं। इसीलिए हम उस प्रभु का जब चिंतन करते हैं तो उस प्रभु के चिंतन में अपने मन को लगाते हैं और उसका ध्यान करते हैं। तद जपस तदर्थ भावनम, उसका जप करो उसकी भावना करके, कि वो परमात्मा जो है वो असीम है। असीम क्या है? असीम शक्ति, असीम ज्ञान, असीम प्रेम का स्रोत है। जब ये पता लगे कि वो परमात्मा जिसका हम नाम ले रहे हैं वो असीम ज्ञान, असीम शक्ति, असीम प्रेम का स्रोत है,
असीम शक्ति हमारे अंदर जागृत हो जाएगी। वो असीम शक्ति जो हमारे अंदर निहित है उसको जागृत करने का ये एक सोपान है जो हमें भगवान ने दिया है। भगवान की असीम अनुकंपा है कि हम लोग बैठ करके उस सोपान को प्राप्त किए हैं जिसे उत्तरोत्तर आगे बढ़ते हुए अपने जीवन के लक्ष्य को हम प्राप्त कर सके। हरिओम तत्सत्। परावर रूप में उपस्थित मेरी प्रिय आत्माओं, करुणा निधान भगवान श्री राम की करुणा आप सभी को सदैव सुख और शांति प्रदान करती रहे, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। आज मेरे ज्ञान सत्र का दूसरा दिन है। इन दिनों परमेश्वरी की आराधना के पावन दिवस चल रहे हैं जिसमें 9 दिन नवरात्रों में परमेश्वरी के त्रिविध रूपों की आराधना की जाती है। प्रथम के 3 दिन महाकाली की आराधना, मध्य के 3 दिन महालक्ष्मी की आराधना और आखिर के 3 दिन महासरस्वती की आराधना की जाती है। महाकाली शक्ति का स्रोत है, महालक्ष्मी ऐश्वर्य का स्रोत है और महासरस्वती विवेक बुद्धि का स्रोत है। कल मैंने एक बात समझाई थी आप लोगों को कि यदि मनुष्य के पास शक्ति हो, बुद्धि न हो तो वो असुर हो जाता है। यदि संपत्ति न हो, संपत्ति हो और बुद्धि न हो तब भी वो राक्षस बन जाता है। यदि उसके पास न शक्ति हो न संपत्ति हो केवल बुद्धि हो तब भी वो ऋषि कहा जाता है और देवताओं में भी पूज्य होता है। उसके पास शक्ति संपत्ति न हो लेकिन केवल बुद्धि हो तो इतनी महिमा है बुद्धि की। इसलिए जो लोग बुद्धि की आराधना करते हैं उनके पास शक्ति और संपत्ति अपने आप आ जाती है, ऐसा शास्त्रकारों ने बताया है। आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, रामायण में पढ़ते हैं, जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां शुद्ध मति है बुद्धि है वहां नाना प्रकार की संपत्ति होती है। बुद्धि हो और संपत्ति न हो ऐसा नहीं हो सकता। इसके लिए एक कहानी आपको सुना रहा हूं पुराण की। एक बार देवताओं ने ऋषियों ने एकत्रित होकर के ये विचार किया कि तीनों देवों में कौन महान है, इनकी परीक्षा ली जाए। ऋषियों ने एक काम भृगु ऋषि को सौंपा कि आप ही परीक्षा लेकर के बताइए
कि तीनों देवों में कौन महान है। भृगु ऋषि सर्वप्रथम भगवान शंकर के पास गए और बिना प्रणाम किए खड़े रह गए। भगवान शंकर ने देखा कि ये भृगु मुझे प्रणाम बिना किए खड़ा हुआ है, उदंडता कर रहा है। उन्होंने कहा कि क्यों रे मूर्ख, तुम्हें इतना पता नहीं है कि अपने से बड़े को प्रणाम करना चाहिए। भृगु ऋषि ने नमस्कार किया और वहां से चल दिए। कहा बस इतना ही तो जानना था। वहां से ब्रह्मदेव के पास गए, वहां भी बिना प्रणाम किए खड़े रहे। ब्रह्मदेव ने कहा कि मेरा पुत्र होकर के इतना उदंड मेरे पास आकर बिना प्रणाम किए खड़ा हुआ है। उन्होंने भी ऐसे उसे कहा। ब्रह्मा भी क्रोधित हो गए और भृगु जी वहां से भी चल दिए। कहा बस इतना ही जानना था। जब गए क्षीर सागर में तो वहां पर लक्ष्मी चरण दबा रही थी, भगवान सो रहे थे। जब भगवान सो रहे थे, भगवान जब जगे ही नहीं तो उनके सामने उदंडता क्या पता चले। तो भृगु ने खींच करके एक लात मारा सीने पर, भगवान उठ दिए, आंख खोले तो दौड़ करके भृगु का चरण पकड़ लिया कि मेरी कठोर छाती पर आपके कोमल चरण लगे, कहीं कष्ट तो नहीं हुआ आपको? आपको कोई कष्ट तो नहीं हुआ अभी प्रदेव? भृगु उनके चरणों में पड़ गए। कहा प्रभु यही जानने के लिए मैं आया था, देवताओं ने मुझे यही जानने के लिए भेजा था, इसलिए आपसे महान और देव दुनिया में कोई नहीं है। भगवान तो मुस्कुराने लगे, लेकिन वो जो भगवती चरण दबा रही थी उसको क्रोध आ गया। उसने कहा कि ये ब्राह्मण का बच्चा बिना सोचे समझे आकर मेरे पति को लात मार दिया। तो उसने कहा कि भृगु मैं तुम्हें श्राप देती हूं। भृगु मुस्कुराए, क्या श्राप दे रही हो देवी? कहा तुम दरिद्री रहोगे, दरिद्री, मेरे ऐश्वर्य से तुम वंचित रहोगे, दरिद्री रहोगे, तुम्हारा सारा वंश दरिद्री रहेगा। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन आज मैं भी एक आपको संदेश देता हूं, सूचना देता हूं, क्योंकि आप मां हो इसलिए श्राप नहीं दे सकता। कहा कहिए। कहा आज से, अभी तक तो हम आपको अपने सर पर चढ़ाते थे, लेकिन आज से मेरे वंशज आपको अपने पांव पर रखेंगे। भगवती को यह पता ही नहीं चला कि मैं इनके पांव पर कैसे जाऊंगा, इनके वंशज। भृगु ने आकर के महासरस्वती की आराधना की। महासरस्वती प्रसन्न हो गई। कहा कहिए, वरम ब्रूहि, वरदान मांगो। कहा देवी हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें तो तुम्हारा केवल प्रकाश ज्ञान चाहिए। कायोमस्त। भृगु को ज्ञान का वरदान मिल गया। अब भृगु ने कहा कि जहां ज्ञान होगा वहां लक्ष्मी ज्ञानी के तो पांव पर ही रखी जाएगी। आज भी यही करते हैं। आज क्या करते हैं, जो ज्ञानी होता है, तत्वज्ञ, तत्वदृष्टा है, आप लक्ष्मी को लेकर के उसके चरणों में ही तो रखते हैं, भेंट मेरा स्वीकार करो। तो मेरे कहने का प्राय कि जहां ज्ञान की प्रतिष्ठा है, जहां सरस्वती की कृपा है, वहां तो संपत्ति अपने आप पीछे पीछे आती रहती है, बिना चाहे आती है। और इसी रूप से शक्ति, शक्ति के लिए तो बुद्धि यस्य बलम तस्य, जिसके पास बुद्धि है उसके पास बल है, और यदि बुद्धि नहीं है तो महान से महान बलशाली भी पशुता को प्राप्त होकर रोता है, और यदि बुद्धि है तो सामान्य व्यक्ति भी महान बलशाली को मिट्टी में मिला देता है। ये बुद्धि का ही वैभव है, ये जो वैज्ञानिक विकास देख रहे हो आप। एक आदमी करोड़ों लोगों को एक सेकंड में ऐसे मार सकता है, किसकी देन है? बुद्धि की देन है, बुद्धि की देन है। और वो बलशाली जिसके पास बहुत बल है वो तो पशु के समान पड़ा रहेगा कहीं, उसको कौन पूछेगा ऐसी स्थिति में। इसलिए यदि आपके पास बुद्धि है तो बल यानी शक्ति और संपत्ति आपका अनुकरण करेंगे, और यदि आपके पास बुद्धि नहीं है, शक्ति है, संपत्ति है, तो आप पशुता से ऊपर नहीं उठ सकते। ये बात याद रखो। इसलिए भगवती सरस्वती की महिमा महान है, और
कल मैंने बताया था कि वह सरस्वती है, सरस्वती, रस्वती माने जिसमें आनंद की अनुभूति हो, रस जहां होता वहीं आनंद होता है। आप जानते हैं शुष्क हृदय में कोई आनंद नहीं है, शुष्क स्थान पर कोई आनंद नहीं है, शुष्क पदार्थ में कोई आनंद नहीं है, शुष्क जीवन में कोई आनंद नहीं है, आनंद कहाँ है, जहां रस होता है। इसलिए वेद में बताया गया कि परमात्मा जो है वो रस स्वरूप है, रसो वैसा रसम आयम लब्धा आनंदी भवति, कहा वो परमेश्वर रस स्वरूप है और उस परमेश्वर को जो प्राप्त कर लेते हैं वो आनंदमय हो जाते हैं। और परमेश्वर को प्राप्त करने का रास्ता क्या है, कहा वही सरस्वती, उस रस्वती बुद्धि के द्वारा ही आप परमेश्वर तक पहुंच सकते हो, दूसरा कोई रास्ता नहीं। वेद कहता है दृश्यते तो ग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी, जो सूक्ष्मदर्शी हैं वो शार्प बुद्धि के द्वारा उस परम तत्व को देख लेते हैं, कुशाग्र बुद्धि के द्वारा उस परम तत्व को देख लेते हैं। तो परम तत्व तक पहुंचने के लिए कुशाग्र बुद्धि ही एकमात्र साधन है। गीता में अर्जुन भगवान की शरण लेता है, शिष्यस्ते हम साधिमान त्वाम प्रपन्नम, और भगवान क्या उसे कहते हैं, मेरी शरण नहीं, सबसे पहले तो बुद्धो शरण मनुच्छ, पहले तू बुद्धि की शरण में जाने की इच्छा कर, यदि बुद्धि की शरण में जाएगा तब मेरी शरण में सुविधा से आ जाएगा। बुद्धिहीन व्यक्ति परमात्मा को जानेगा ही नहीं, उसको उपासना कैसे करेगा। और बुद्धि प्राप्त करने के लिए अर्जुन कहता है बुद्धि कहां से प्राप्त हो, कहा कि तद बुद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेक्षं ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिन, तुम किसी तत्वदर्शी ज्ञानी गुरु के पास जाओ वो तुम्हें बुद्धि देगा। गुरु क्या देता है, गुरु धन नहीं देता, जो लोग गुरु से धन की याचना करते हैं वो ना समझे, गुरु बल नहीं देता, गुरु देता है ज्ञान बुद्धि, और बुद्धि ही वह अमूल्य तत्व है जिससे लोक और परलोक दोनों की सिद्धि होती है। केवल परलोक नहीं, बुद्धिमान का ही लोक बनता है, बुद्धिहीन का लोक भी नहीं बनता। ये लोक जो है, संसार जो है, इसमें भी वही सुखी रहता है जिसके पास बुद्धि है, बुद्धिहीन तो चक्रे खाते घूमते हैं चारों तरफ। इसीलिए प्राचीन काल से एक परंपरा चली आई है, यदि किसी जाति को, किसी देश को, किसी समाज को नष्ट करना हो तो उसको बुद्धिहीन बना दो, और यदि किसी देश को, जाति को, समाज को उन्नत करना हो तो उसे बुद्धिमान बना दो। बुद्धिमान बनकर के वो बलवान और शक्तिवान और धनवान बन जाएगा, और बुद्धि हो करके वो सब कुछ अपना गवा देगा। इसीलिए जब भारत पर मुसलमानों का आक्रमण हुआ तो सबसे पहले उन्होंने हमारा क्या नष्ट किया मालूम है, विश्वविद्यालय, जितने बड़े बड़े विद्यालय थे, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, उसमें दुनिया में कहीं विश्वविद्यालय नहीं था, केवल भारत में था। भारत ही एक ऐसा देश था जिसमें उस समय विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा थी। इधर के लोग तो जानते नहीं थे कि मनुष्य क्या होता, मनुष्यता क्या होती, ये तो कच्ची मांस खाते थे उन दिनों जब हमारे यहाँ विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा थी। आज से 3000 वर्ष पहले की बात बता रहा हूँ, 4000 वर्ष पहले की बात बता रहा हूँ। और उन विश्वविद्यालयों को 1000 वर्ष पूर्व मुसलमानों ने जब आक्रमण किया तो सबसे पहले उसे नष्ट किया। तक्षशिला यूनिवर्सिटी सुना होगा आप लोगों ने, नाम सुना होगा, नालंदा यूनिवर्सिटी थी, विक्रमशिला, तीन विश्वविद्यालय थे भारत में, तीन विश्वविद्यालय, और वो आजकल कितना विश्वविद्यालय नहीं थे नाम के, वो विश्वविद्यालय थे, विश्व से लोग आकर वहां पढ़ते थे, अध्ययन करते थे। एक चाइनीज यात्री ह्यूनसांग वो नालंदा विश्वविद्यालय में रहा था, उसने लिखा है अपने संस्मरण में कि उस विद्यालय में 20,000 अध्यापक हैं। कितने अध्यापक है, 20,000 अध्यापक, वो लिखता है कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्मरण में लिखा कि 20,000 वहां अध्यापक हैं, और स्टूडेंट की और सारी संख्या वहां कितनी थी, 1,00,000 की, 1,00,000 की संख्या थी केवल विश्वविद्यालय, और वहीं कैंपस में ही लोग रहते थे, बाहर नहीं रहते थे, जिसमें 20,000 प्रोफेसर थे। और उसने ये लिखा है कि इस विश्वविद्यालय में ऐसे भी लोग हैं जिनको 100-100 विषय का ज्ञान है, और सबसे कम पढ़ा लिखा जो है उसको 10 विषय का आचार्य है, 10 विषय का आचार्य है जो सबसे कम पढ़ा लिखा वहां पर नॉलेज रखता है। अब आप सोचिए,
वो विश्वविद्यालय था जिसमें चाइना से लोग आकर पढ़ते थे, जिसमें यूरोप से और क्या नाम मिडिल ईस्ट से लोग जाकर पढ़ते थे, साउथ एशिया और यानी अगल बगल के देशों से लोग आकर पढ़ते थे, जिसको आज इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड आदि देश कहते हैं, चंपा जिसे आजकल वियतनाम कहते हैं, यहां से लोग आकर वहां अध्ययन करते थे। वो विश्वविद्यालय था नालंदा विश्वविद्यालय, जिसको केवल 200 घोड़सवार साथ लेकर के बख्तियार अली खान नाम का व्यक्ति फूंक दिया और 1,00,000 वहां के जो विद्यार्थी और प्रोफेसर थे उनको एक लाइन में खड़ा करके तलवार से ऐसे काटा जैसे लोग घास काटते हैं, ऐसे काटा 1,00,000 व्यक्ति, इतिहास साक्षी। तो मैं आपको बता रहा था कि भारत में हमेशा विद्या की उपासना होती रही, जब तक विद्या की उपासना होती रही तब तक दुनिया में भारत सबसे श्रेष्ठ था। जब वहां पर विद्यालय नष्ट कर दिए गए, विद्यालय नष्ट करने के पश्चात वहां की पुस्तकें फूंक दी गई, नालंदा यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी जो थी, पुस्तकालय जो था, उसको 6 महीने बैठ करके फूंका था उसने, 6 महीने, जो 6 महीने पूरी लाइब्रेरी जली थी, एकाएक नहीं जली, और 6 महीने वहीं बैठा रहा 200 घुड़सवार लेकर के, कि जब तक इसको मिट्टी में न मिला दें, सारे फूंक न दे, तब तक नहीं जाए, ये स्थिति। और उन दिनों भारत में बुद्धम शरणं गच्छामि, संगम शरणं गच्छामि, धम्मम शरणं गच्छामि के लोग माला पहनते थे, इसलिए तलवार उठाना पाप समझते थे, तलवार उठाना पाप समझते थे। उसका परिणाम यह था कि 200 घुड़सवारों ने सारी यूनिवर्सिटी फूंक दी, 1,00,000 लोगों को काट दिया, लेकिन उनका हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं था इतने बड़े देश में। बड़ी दुखद घटना है, इतिहास की इससे बड़ी दुखद घटना और कुछ नहीं हो सकती। और मुसलमानों ने 900 वर्ष के शासन से हमारे जीवन का सारा मूल स्रोत ज्ञान को ही नष्ट कर दिया। उसके बाद में अंग्रेज गए, तो अंग्रेजों ने देखा कि ये तो बड़ी होशियार जाति है, बड़े कुशल लोग हैं, बड़े बुद्धिमान लोग हैं, इनकी बुद्धि का यदि अपने लिए प्रयोग किया जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। 700 वर्ष तक मुसलमान शासन करके इनको बुद्धिहीन नहीं बना सके, तो इनको बुद्धिहीन बनाने की बजाय इनकी बुद्धि को डाइवर्ट कर दो। इतिहास पढ़िए, आपको दुख होगा, वहां पर यानी एक नहीं अनेकों मिशनरी जाकर के वहां पर वहां स्कूल खोले, पहले स्कूल से कॉलेज खोले, कॉलेज खोलकर वहां यूनिवर्सिटियां बनाई, और यूनिवर्सिटियां बना करके वहां पर हमारे पुराने ग्रंथों का गलत अर्थ करके वहां पर लड़कों को पढ़ाए। और उनकी योजना ये थी कि इनको हम ऐसा बना दें जिससे काले रंग में गोरे बन जाएं बुद्धि वाले, तो हमारे ये स्तंभ होंगे जो हमारे इस राज्य को यहाँ कायम रखने के लिए दृढ़ रहेंगे। लेकिन भारत का संस्कार तो था ही, 700 वर्ष में जिसको मुसलमान नहीं खत्म कर पाए, तो ये भले आदमी भला 100-200 वर्ष में क्या खत्म कर पाते। तो लोग इन्हीं से पढ़े और इनका भी ज्ञान लिया, अपना ज्ञान उनको परंपरा से मिला हुआ था, इसलिए इनके खिलाफ आंदोलन किया और भारत स्वतंत्र हुआ। उसमें लगे तो बहुत दिन, लेकिन हमारा ज्ञान विज्ञान आज भी सुरक्षित है। कुछ मायने 1,00,000 वेद मंत्रों में चलो 20,500 ही सही, लेकिन सुरक्षित तो है, और भी है, ब्राह्मण ग्रंथ है। तो मेरे कहने का प्राय कि किसी भी जाति को यदि नष्ट करना हो तो उसके ज्ञान को नष्ट कर दो, और यही काम पहले मुसलमानों ने किया, यही काम अंग्रेजों ने किया कि इनके ज्ञान को नष्ट कर दो पहले। ज्ञान इनका नष्ट हो जाएगा तो ज्ञान कैसे नष्ट हो जाएगा, ज्ञानहीन तो हो नहीं सकते, कहा इनको अपना ज्ञान दे दो। तो उन्होंने अपने ढंग से ज्ञान दिया, अपनी स्कूलिंग शुरू की, अपने कॉलेज शुरू किए, अपने यूनिवर्सिटियां बनाई, जिसने अंग्रेजी के माध्यम से सारा पढ़ाया और संस्कृत को एन रगड़ करके नीचे कर दिया, क्योंकि सारा ज्ञान स्रोत तो संस्कृत में था। तो मैं आपको ये बता रहा था कि किसी जाति की उन्नति वहां के ज्ञान पर निर्भर है। तुलसीदास जी ने अपनी रामायण लिखी, जब तुलसीदास जी रामायण लिखे तो उस समय संस्कृत का प्रभुत्व था, जो पढ़े लिखे लोग थे वो संस्कृत जानते थे, संस्कृत को ही धर्म का ग्रंथ मानते थे, हिंदी भाषा में अपनी बात कहने को पाप समझते थे क्योंकि उससे धर्म अशुद्ध हो जाता था। बड़ी मूर्खता भी थी, क्योंकि जब ज्ञान का स्रोत ही नष्ट हो गया, आम जनता ज्ञान से वंचित हो गई, तो जो थोड़े लोग हैं उनका तो प्रभुत्व होता है, चाहे वो जो कह दे वही वेद मंत्र हो जाए। तो तुलसीदास जी ने देखा कि जनता को धर्म से सजग करने के लिए इसे ज्ञान देना चाहिए,
और ज्ञान इनको संस्कृत का तो है नहीं, तो अपनी भाषा का ज्ञान दो, जिस भाषा को जानते हो उस भाषा में उनको बात समझाओ तो ग्रहण कर लेंगे। तो इस दृष्टि से तुलसीदास जी ने रामायण लिखी। रामायण में उन्होंने लिखा कि भाई राम राज्य में दुनिया बड़ी सुखी थी, कहा क्यों, तो रामायण में उन्होंने संकेत किया राम राज्य में सुख का कारण क्या था, कहा राम राज्य में नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, राम राज्य में कोई दरिद्री नहीं था, कोई दुखी नहीं था, कोई दीन नहीं था, कहा क्यों, कहा नहीं को अबुध न लक्षण ही ना, कोई अनपढ़ नहीं था, राम राज्य में कोई अनपढ़ नहीं था। भगवान राम ने सर्वप्रथम अपनी प्रजा को ये निर्देश दिया कि विद्या से पहले संपन्न हो जाए, और हमने देखे हैं भारत में ऐसे वर्ग के लोग जिनको दक्षिण भारत में लोग छूने को पाप समझते थे, और जब ज्ञान का प्रवाह बना वहां पर, उसमें एक महात्मा पैदा हुआ, विद्वान पैदा हुआ, जिसका नाम था नारायण स्वामी। नारायण स्वामी ने, स्वामी नारायण कहते हैं, तो नारायण स्वामी ने उस अपने जाति को उठा करके इस समय ऐसे ऊंचे स्तर पर पहुंचा दिया है कि बड़े बड़े लोग उनको नमस्कार करते हैं। ज्ञान के उसने सबसे पर हर एक गांव में स्कूल खुलवाया। तीन काम नारायण स्वामी ने किया, अपने इड़वा नाम की जाति, इड़वा जानते हो, अंग्रेजी परिया कहते हैं जिसे, परिया जिसको छूने से लोग कतराते हैं, परिया नाम की जाति, इड़वा नाम की जाति में पैदा हुए थे नारायण गुरु। और उन्होंने सबसे पहले तीन काम बताया, भगवान शंकर की आराधना, हर एक गांव जहां चार घर की बस्ती थी इड़वा की, वहां भी उन्होंने शंकर जी का मंदिर बनाया, भगवान शंकर की आराधना, ये पहला काम। दूसरा, वही मंदिर के बगल में स्कूल, पढ़ाई दूसरा काम। और तीसरा, मांस मदिरा मच्छी यानी धूम्रपान और इनसे अपने आप को अलग करो, ये तीन बातें अपने वर्ग के लोगों को बताई कि तुम मांस मदिरा मच्छी धूम्रपान इससे अलग रहो और भगवान शंकर की आराधना करो और विद्या प्राप्त करो, दुनिया में तुम पूज्य बन जाओगे। और यही हुआ। आज स्वामी नारायण यूनिवर्सिटी है, कॉलेजेस हैं, एक नहीं हर एक यानी छोटे छोटे कस्बे में आप जाकर देखिए, दक्षिण भारत में ट्रोंकुर में बता रहा हूं, केरल, केरल में वो लोग वो थे। तो किसी भी जाति को यदि ऊपर उठाना हो तो उसे योग्य बनाओ, अपने आप ऊपर उठ जाएगी। किसी समाज को ऊपर उठाना हो उसे योग्य बना दो, ऊपर उठ जाएगी। और योग्य बनाने में सही ज्ञान की जरूरत होती है, सही ज्ञान, गलत ज्ञान नहीं। ज्ञान के दो भेद हैं, गलत ज्ञान भी हो सकता है, सही ज्ञान भी हो सकता है। आपको मारने का भी ज्ञान दिया जा सकता है, तारने का भी ज्ञान दिया जा सकता है। आप कौन सा ज्ञान यानी प्राप्त कर रहे हैं, मारने वाला या तारने वाला, दोनों प्रकार के ज्ञान है। और दोनों ज्ञान, भगवती तो ज्ञान का स्रोत है, वो तो एक जगह जहां पर वो मारने वाली शक्ति है महाकाली है, वहां पर तारने वाली शक्ति महासरस्वती भी है वही एक ही शक्ति के ये तीन फॉर्म है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती एक ही परमेश्वरी तीनों रूपों में विराजती है, तीनों अलग अलग नहीं है, उसके तीन फॉर्म है, तीन रूप है उसके। और इनमें से वह महासरस्वती जो है वो तारने वाली है, और तारने वाली शक्ति जो है वो लोक और परलोक दोनों को सुखी बनाती है। आपका ये लोक सुंदर बन जाएगा सुबुद्धि होगी तो, परलोक भी सुंदर बन जाएगा सही दिशा मिले तो, लोक परलोक दोनों बन जाता है। इसीलिए भुक्त मुक्ति प्रदा देवी, वह देवी भुक्ति भी देती है मुक्ति भी देती है, दोनों देती है। नहीं तो दुनिया में अन्य देवता जितने हैं, या तो कोई भोग दे देगा या तो कोई मोक्ष दे देगा, दोनों नहीं देते। केवल भगवती ऐसी है जो भुक्ति और मुक्ति दोनों प्रदान करने वाली शक्ति है। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा था कि वह महासरस्वती परमात्मा की रसमयी शक्ति का नाम है, उसी को आह्लादनी शक्ति भी कहते हैं। वो आह्लाद माने आनंद प्रदान करती है, और उसकी उपासना के लिए सर्वप्रथम अपने आप को हंस बनाना पड़ता है। आपको यह भी जानकर आश्चर्य होगा, महाकाली की सवारी जानते हो क्या है, देखा है कभी महाकाली का चित्र आप लोगों ने, किस पर खड़ी है वो, मुर्दे पर, देखा है कि नहीं, महाकाली जो है वो मुर्दे पर खड़ी होती है, उसकी सवारी नीचे मुर्दा होता है,
चामुंडा सववाहना, पढ़ते हैं दुर्गा सप्तशती की, और महालक्ष्मी जो है वो उल्लू पर सवार होती है, उसकी सवारी उल्लू है, और महासरस्वती जो है वो उसकी सवारी हंस है, वो हंस पर विराजती है। हंस पर विराजे करराजे वरवीणा वेद, शुभ्र वस्त्र छाजे अंग मेरी मातु शारदे, जगत की धात्री बुद्धि विद्या की विधात्री देवी, दया दृष्टि तेरी भव सिंधु से उबार दे। वह भगवती जो है वो हंस पर विराजती है। हंस पर विराजने का अभिप्राय क्या? हंस पर विराजने का अभिप्राय है कि यदि तुम अपने जीवन को हंसवत बना लो तब भगवती आकर तुम्हारे ऊपर विराजित हो जाएगी, तुम्हें प्रकाशित कर देगी। और हंस कैसा पक्षी है सुना होगा ना, यदि दूध और पानी को मिला दो तो उसमें से दूध पी लेता है, पानी छोड़ देता है। नीर क्षीर विवरण गति हंसी, हंस का स्वभाव है वो दूध पी लेता है और पानी छोड़ देता है। इसलिए यदि तुम अपने आप को हंस बना सको तो भगवती के कृपा के भाजन तुम बनोगे। महासरस्वती का भाजन वही बनता है, महासरस्वती की कृपा का भाजन वही बनता है जो अपने आप को हंसवत बना ले। और हंस जो है वह गंदी चीजों से दूर रहता है, विशुद्ध विशुद्ध है वो। और हंस की शक्ल को देखा होगा आप लोगों ने, कभी नहीं देखा है, चित्र में देखा होगा। ईमानदारी से कहूं तो हंस तो मैंने भी नहीं देखा है क्योंकि हंस होता है मानसरोवर में और मैं कभी मानसरोवर गया नहीं। हंस जो है वो मानसरोवर में होता है, आम जगह नहीं होता। अब जो कोई मानसरोवर जाए वो हंस को देखे, तो मैं तो मानसरोवर गया नहीं इसलिए मैंने हंस नहीं देखे, लेकिन हंस के विषय में जो सुना है और सरस्वती के वाहन के रूप में जिस हंस का मैंने दर्शन किया है उसकी व्याख्या मैंने की है, अपने कई छंदों में की है, कई कविताओं में मैंने लिखा है। और उसका सबसे विशेष गुण यह है कि वो तो पानी और दूध को अलग अलग करता है और उसकी चोटें लाल होती हैं और चरण भी उसके पांव भी लाल होते हैं, सारा शरीर उसका सफेद होता है। ये उसके नेत्र के यहां पर, यहां भी लाली होती है उसके, यहां पर नेत्र लाल होते हैं, चरण लाल होते हैं और उसके चोंच लाल होते हैं, तीन जगह लाल होते हैं, और बाकी उसका शकल जो है वो बिल्कुल सफेद होता है। तो एक बार बकुलों ने सोचा, बकुलों ने कि भाई हंस को लोग पूजते हैं, हंस को लोग पूजते हैं और उसे लोग दूध पिलाते हैं, तो हंस के और मेरी कलर में क्या अंतर है? कलर तो एक है, केवल इतना ही है ना कि हंस के नेत्र लाल हैं, चोंच लाल हैं और पांव लाल हैं, तो अपन भी कहीं से लिपस्टिक ढूंढना में लगाए। अब बकुलों ने कोशिश किया तो उनको भी कहीं मिल गया रंग, कहीं रंग मिल गया तो उन्होंने भी अपने आप को रंग लिया, रंग लिया तो तुलसीदास जी ने उनको देख लिया। तो तुलसीदास जी ने अपनी दोहावली में उनको उनके विषय में लिखा, भाई रंग तो बना लिया, अब आगे जहां पर हंसों की पूजा होती तो वहां वो भी आकर लाइन में खड़े हो गए। तो पूजा करने वाला जो था वो ना समझ तो था नहीं, समझदार था, उसने लाकर पहले सारे के सामने दूध रख दिया, दूध रख दिया पानी मिलाकर। जब दूध रख दिया तो जो हंस थे वो तो दूध पी गए, पानी छोड़ दिए, और बकुले जो थे वो पानी में, अब वो तो दूध में मुंह डालकर ढूंढ रहे हैं कि इसमें कहीं कुछ है कि नहीं, वो दूध में मछली ढूंढ रहे हैं। तो तुलसीदास जी क्या लिखते हैं जानते हो? तुलसीदास जी लिखते हैं चरण चोच लोचन रंगे, चरण चोच लोचन रंगे चले मराली चाल, जैसे मराल चलता था वैसे चले धीरे धीरे, लेकिन नीर क्षीर विवरण समय
बक उघरे ते ही काल। लेकिन जब दूध और पानी को अलग अलग करने का समय आया तो बकुला और हंस का अंतर पता चल गया, क्योंकि हंस जो है केवल दूध पीता है, पानी नहीं लेता। पानी माने क्या और दूध माने क्या? तुलसीदास जी से पूछिए, वो कहते हैं संत हंस गुण गहीं पै परिहरि बार विकार। ये संसार का जो वैभव है ये बारी है, और परमात्मा का जो दिव्य ज्ञान है वो गुण है, वो दूध है। आप समझे, जो संसार के वैभव को चाहता है वो भगवती के कृपा का भाजन नहीं बन सकता, जो परमात्मा के ज्ञान को चाहता है भगवती उसी को अपना वाहन बनाती है। याद रखो, मातु वरदायिनी को भावत विरति है, उस वरदायिनी माँ को वैराग्य ही प्रिय है। जो संसार की लालसा लेकर के सरस्वती की आराधना करता है वह उस पर प्रसन्न नहीं होती। एक कथा हमने पुराण में पढ़ी, एक बार एक विद्वान निश्चय किया, यंग बॉय था, विद्या की चाह थी कि मैं अब किसी मनुष्य को गुरु नहीं बनाऊंगा, किसके सामने जाकर सर रखूं, झुकाऊं, गुरु बनाऊं, तो ये हमारा अपमान होगा। आखिर विद्वान विद्वान कैसे बनता है? कहा सरस्वती की उपासना करके। वो कहता मैं भी डायरेक्ट अप्रोच क्यों न करूं, क्यों किसी को गुरु बनाऊं। तो वो बैठ गया, तपस्या करने लगा सारस्वत मंत्र का जाप करते हुए। उसकी घोर तपस्या को देखकर भगवती प्रकट हो गई। तो उसने कहा ब्रह्म रोय वरदान मांगो भाई, क्या चाहिए तुम्हें? कहा हमें विद्या चाहिए। कहा यो मस्त, तुम विद्वान बन जाओगे। अब विद्वान बन गया हो, अब विद्वान बन गया, विद्वान बन करके वो बड़ा विद्वान बना, शास्त्र स्मरण हो गए। अब वो शास्त्रार्थ करने के लिए लोगों को चैलेंज देने लगा, कोई शास्त्रार्थ कर लो मेरे से। गया, एक गुरु बैठे हुए थे, उनका एक शिष्य था छोटा सा, तो उन्होंने देखा कि इसको विद्या कहीं से प्राप्त हुआ है, इसको अहंकार है। तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे को फुर्सत नहीं तेरे से बात करने की, मेरे शिष्य से तू शास्त्रार्थ कर। जब शिष्य से शास्त्रार्थ करने लगा तो शिष्य ने कुछ प्रश्न किए, उसको कोई उत्तर ही नहीं आया। अब बड़ा दुखी हुआ, वो हार गया, वो पराजित हो गया। अब बहुत दुखी हुआ और दुखी होकर के उसको क्रोध आया भगवती के ऊपर कि भगवती ने हमें कैसा ज्ञान दिया कि मैं एक छोटे से विद्यार्थी से पराजित हो गया। वो गया उसी जगह पर जहां तपस्या किया था, वहीं फिर खड़े होकर तपस्या करने लगा। भगवती आई, प्रकट हुई, भैया क्या बात है? तो गुस्से में था, क्रोध में, कहा कि देवी तूने मेरे साथ छल किया। कहा कैसा छल? कहा तूने मुझे ज्ञान का वरदान दिया था, लेकिन जब मैं शास्त्रार्थ के लिए पंडित समाज में गया तो वहां एक छोटे से विद्यार्थी ने मुझे पराजित कर दिया। भगवती ने कहा मैंने तुम्हें ज्ञान का वरदान दिया था, विजयी होने का वरदान तो नहीं दिया था। कहा हमें विजयी होने का वरदान चाहिए। भगवती ने कहा ये मेरे हाथ में नहीं, ये मैं नहीं कर सकती। कहा क्यों नहीं कर सकती? कहा वो तो किसी गुरु के पास तुम जाओ, गुरु की शरण में जाकर के विनम्रता के साथ उससे ज्ञान को ग्रहण कर, और जब ज्ञान को ग्रहण करेगा तब मेरे वरदान को प्राप्त करेगा, मेरा यथार्थ स्वरूप तुम्हें वहां प्राप्त होगा। ऐसे तो तूने मजदूरी की, हमने तुम्हें मेहनताना दे दिया, तूने हमारी उपासना की, हमने तुम्हें ज्ञान दे दिया, वो मेहनताना है। लेकिन तत्व ज्ञान जो है वो मेहनताना नहीं, वो मजदूरी से नहीं मिलता, वो तो श्रद्धा से मिलता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय। कहा वो छोटे से विद्यार्थी ने मुझे कैसे पराजित कर दिया? कहा वो गुरु की कृपा का पात्र है। और तुम्हें? कहा मैं तुम्हारी कृपा का पात्र नहीं। कहा ना, मेरी कृपा का पात्र तू नहीं, तू अपनी मेहनत के बदले में मेरे से ज्ञान मांगा, मैंने दे दिया। मेरी कृपा का पात्र बनने के लिए तो किसी गुरु के पास जाना होगा, तब मेरे पास आना। ये शाश्वत नियम है जिसको मैं भंग नहीं कर सकती। और वो हजरत अपना ऐसा मुंह लेकर के आ गए। फिर उसी गुरु के पास जाकर, ये इतिहास की घटना मैं सुना रहा हूं, संस्कृत साहित्य में इसका वर्णन है। और फिर उसी गुरु के पास जाकर के उन्होंने अध्ययन किया, और फिर उसी लड़के शास्त्रार्थ करके फिर विजयी बने। तो मेरे कहने के प्राय
कि पहले हंसवत वृत्ति हो, बकवत वृत्ति नहीं। बकुले के समान वृत्ति बना करके तुम भगवती के कृपा के भाजन नहीं बन सकते। हंसवत वृत्ति यदि हो जाए तो तुम भगवती के कृपा के भाजन बन जाओ। पहले तो अपने आप को हंस बनाओ। हंस माने आपका आहार विहार शुद्ध हो, आपका खान पान शुद्ध हो, आपका व्यवहार शुद्ध हो। हंस में कपट नहीं है, इसीलिए तो हंस है वो, वहां किसी प्रकार का कपट नहीं है। और बकुले को क्या कहते हैं? बकुले को कपटी कहते हैं। कपटी क्यों कहते हैं? अंदर और है बाहर और है। एक कथा आती है रामायण में, रामचरितमानस में नहीं, संस्कृत के रामायण में। वहां पर भगवान राम पंपा सरोवर के किनारे खड़े थे, देखा है एक बकुला एक पांव से उस सरोवर में खड़ा था आंख बंद किए। भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा, पश्य पश्य बकौतात, ये लक्ष्मण जरा इस बकुले को देखो कितना तपस्वी है, एक पांव से आंख बंद करके परमात्मा की आराधना में लगा हुआ है, कितना तपस्वी है ये। इतने में एक मछली कहा, राम ये बकुला कितना तपस्वी है तुम मेरे से पूछो तो। सहवासी ही जानंती गुण दोष सहवासी ना, आप इसके रहस्य को नहीं जान सकते, ये तो मैं जानती हूं इसके रहस्य को कितना तपस्वी है। ये जो एक पांव से खड़ा है, जो आंख बंद किए हुए है, ये हम लोगों की तलाश में है। तो बाहर इसके और है, अंदर और है। तो यदि आपका बाहर और हो और अंदर और हो तो भगवती के कृपा भाजन नहीं बन सकते आप, महासरस्वती के कृपा भाजन नहीं बन सकते, याद रखो। इसलिए पहले अपने आप को हंसवत बनाना पड़ेगा। आपका आहार, आपका विहार, आपका व्यवहार, आपका आचार, आपका विचार, ये सब पवित्र हो, पायस हो, पवित्र हो, उज्ज्वल हो, धवल हो, और फिर आप परमेश्वरी की आराधना में लगी, फिर परमेश्वरी आप पर करुणा करेगी। दुर्गा सप्तशती में तीसरा चरित्र जो उत्तर चरित्र कहा जाता है उसको उत्तर चरित्र कहते हैं। उत्तर चरित्र जो है वो महासरस्वती का है। हमारे यहां वेद में दो मार्ग हैं, उत्तरायण और दक्षिणायण, दो मार्ग। दो मार्ग का अभिप्राय क्या है? एक तो परमार्थ का मार्ग है जिसमें मनुष्य मोक्ष का अधिकारी बनता है, और एक स्वार्थ का मार्ग है जिसमें मनुष्य भोग का अधिकारी बनता है। भोग के मार्ग को दक्षिणायन कहते हैं और योग के मोक्ष को मार्ग को उत्तरायण कहते हैं। इसी रूप से आपने गीता में शायद पढ़ा होगा, षण्मासा दक्षिणायनम षण्मासा उत्तरायण, जो उत्तरायण में शरीर छोड़ता है वो मोक्ष को पाता है, जो दक्षिणायन में शरीर छोड़ता है वो पितृलोक को जाकर पुनः संसार में लौट करके आता है। एक अपुनरावृत्ति मार्ग है, दूसरा पुनरावृत्ति है। तो उत्तरायण मार्ग जो है वो अपुनरावृत्ति है, उस मार्ग से गया हुआ प्राणी पुनः संसार के मोह माया में नहीं गिरता, वो मुक्त हो जाता है। तो उत्तर चरित्र जो है वो उत्तरायण मार्ग का चरित्र है, जीवन को उत्तरायण पथ पर ले जाने के लिए परमेश्वरी की आराधना का विधान है। उसमें उस चरित्र में आप पढ़ते हैं शुंभ और निशुंभ की कथा। ये शुंभ और निशुंभ, मोह और मद, मोह शुंभ है और मद निशुंभ है, दोनों सगे भाई। जहां मोह होगा वहां मद होगा, और मद इतना बुरा होता है आप जानते हैं कि मद में मनुष्य अपने आपे को भूल जाता है, मोह से ही मद पैदा होता है, और मद में मनुष्य अपने आपे को भूल जाता है, अपने आप को भी नहीं संभाल पाता, और उसका परिणाम उसके लिए बड़ा भयंकर होता है। इसलिए मोह और मद, शुंभ और निशुंभ, इनका वध कौन करता है? परमेश्वरी, वह सरस्वती, महासरस्वती, ज्ञान स्वरूपा। मोह और मद का नाश ज्ञान के सिवा और कोई दूसरा रास्ता नहीं जिससे हो जाए। रामायण में एक बड़ी सुंदर घटना है, उस घटना में हम पढ़ते हैं जब भगवान राम चित्रकूट में जाकर रहने लगे और भरत आए ननिहाल से, अपने देश की दुर्दशा देखी और उनको पता चला कि मेरी मां ने राम को वन दे दिया, तो तुरंत वो राम को मनाने के लिए वनवास की तरफ प्रयाण किया। लेकिन अभी भरत वहां पहुंचे नहीं थे, उनके साथ
चतुरंगिणी सेना भी थी, अवध के सारे नर नारी थे, सब भगवान को मनाने के लिए आ रहे थे। तो उससे धूल उड़ी आकाश में, खगमृग जो थे वो भयभीत होकर भाग करके भगवान राम के आश्रम में पहुंच गए। कौर भिल्लों ने आकर के कहा कि उत्तर से कोई व्यक्ति बहुत बड़ी सेना लेकर के बहुत बड़े समाज के साथ आ रहा है। कहा कौन है? कहा उसका नाम भरत है। भगवान ने भरत का नाम सुना तो उनके नेत्र बंद हो गए, गदगद हो गया हृदय, और वो सोचने लगे कि भरत मुझे लेने के लिए आ रहा है, तो एक तरफ पिता की आज्ञा है, दूसरी तरफ भरत का प्रेम है, मैं क्या करूंगा। भगवान सोचने लगे, सोच में पड़ गए। लेकिन देखिए, लक्ष्मण जी भगवान के साथ थे। लक्ष्मण जी ने जब भगवान के उस अवस्था को देखा तो उन्होंने ये सोचा कि भरत की सेना को सुनकर शायद के डर गए हैं। आदमी कैसा सोचता है, यह मत समझ लेना कि कोई व्यक्ति यदि अच्छे आदमी के साथ रहता है तो उसके भी विचार अच्छे हो जाएंगे। भगवान के साथ रहते हुए भी लक्ष्मण के विचार नहीं शुद्ध हुए, लक्ष्मण ने उल्टा ही सोच लिया। अब तुलसीदास जी वहां पर चौपाई लिखते हैं, लखन लख्यु प्रभु हृदय खबारू। लक्ष्मण ने देखा कि प्रभु के हृदय में खलबली मच गई है। खबारू माने खलबली, आप लोग जानते हो खबारू कुछ भाषा, खलबली मच गई है राम के हृदय में। तो ये देख करके उनसे भला कैसे रहा जाए कि राम के हृदय में खलबली हो, लक्ष्मण शांत बैठे रहे। उन्होंने धनुष बाण उठा लिया। तो तुलसीदास जी वहां पर लिखा कि है तो लखन, लखन माने लखन, जो देख नहीं सके कि स्थिति सही क्या है, इसीलिए तो लखन है। वैसे तो लक्ष्मण है, लेकिन लक्ष्मण तुलसीदास जी ने नहीं लिखा, क्या लिखा? लखन। ना देखने वाले ने देख लिया, क्या देखा भाई? उल्टा देखेगा। जो जो नहीं देखने वाला है वो जब देखेगा तो उल्टे देखेगा ना। तो लखन लख्यु प्रभु हृदय खबारू, कहे उस समय समनीति विचारू। और धनुष बाण लेकर खड़े हो गए और कहा, महाराज जो सहाय कर शंकर आई, तदपि हतम रण राम दुहाई। यदि आप शंकर भी सहायता करें भरत की, तब भी मैं नहीं छोड़ूंगा, आज मार कर छोड़ूंगा। उल्टे सोचने लगे, लेकिन भगवान सुनते रहे, सुनते रहे, ये भी देखते रहे कि लक्ष्मण के हृदय में क्या है, इनको निकाल लेने दो भाई। यदि कोई आदमी गलत बात कहने लगे और तुम कह दो चुप रहो बैठ जा, तो उसकी बात अंदर ही अंदर फैलेगी, कुढ़ेगा और कुढ़ करके वो और ज्वाला के रूप में उसके फटेगी कभी। तो बाद में फटने की बजाय अभी उसको निकाल लेने दो भाई, कह ले तो अपनी सारी बात जो कहना चाहे। तो लक्ष्मण जो कुछ कहते रहे भगवान शांत बैठे सुनते रहे, सारी बात सुन लिया। लक्ष्मण ने खूब गालियां सुनाई भरत को, था ये अन्याय, लेकिन भगवान राम बोले नहीं, टोके नहीं, चुप नहीं किया। जब लक्ष्मण बोल करके चुप हो गए तो भगवान ने कहा, बस कह चुके, कहा आ जा बैठ जा मेरे पास, बगल में बैठा लिया। कहा तात कही तुम नीति सुहाई, सबते कठिन राज मद भाई। मद के कई रूप है, ज्ञान मद, ज्ञान का भी मद होता है। जैसे उसकी कथा सुनाई थी अभी, सरस्वती से वरदान मांग करके शास्त्रार्थ करने ही लग गए, ज्ञान मद, धन मद, पैसे का मद हो जाता है, आदमी पागल हो जाता है, वो सोचता है कि इतना पैसा मैं क्या करूं। तो धन मद, बल मद, बल के मद में आदमी पशु बन जाता है, बल के मद में पशु होता है, धन के मद में पागल होता है, ज्ञान के मद में भी विक्षिप्त हो जाता है वो, राज मद मिल जाए तो और क्या कहना, हो तो और उसे भ्रष्ट कर देती है, वो बहरा बना देती है, प्रभुता बधिर न कान, किसी की तब नहीं सुनता, पतित हो जाता है। तो भगवान कहते हैं कि ये राजमद बहुत बुरा है, एक ही मद इतना होता है, राजमद में तो सारे मद आ जाते हैं, क्योंकि राजा के पास धन भी होता है, राजा के पास बल भी होता है, तो राजा के पास तो सब कुछ आ जाता है, वो सोचता है दुनिया में डेढ़ अकल एक मेरे आदि सब में बटी हुई है, तभी तो मैं राजा बना।
तो राजा में सारे दोष आ जाते हैं। तो ये बात ठीक तुम कह रहे हो, तात कही तुम नीति सुहाई, सबसे कठिना राज मद भाई। इस मद का इलाज क्या है? कहा सो अचवत नृपमातई तेई, नाहीन साधु सभाजिन सेई। इस राज रूपी मद को पीकर के वही पागल होते हैं जिसने कभी साधु का संग नहीं किया है, सत्संग नहीं किया है। सत्पुरुष का संग करने वाले को राज मद नहीं हो सकता। भरत हो इन राज मद, विधि हरि हर पद पाई। राज मद तो दूर रहा, भरत को यदि ब्रह्मा विष्णु महेश का पद मिल जाए तब भी उन्हें अहंकार नहीं हो सकता। कबहू की काजी सी करिन, क्षीर सिंधु बिन साय। छोटी सी खटाई की बूंद क्या कभी क्षीर सागर को फाड़ सकती है? जैसे छोटी सी खटाई के बूंद से क्षीर सागर नहीं फटता, इसी रूप से ये बात ठीक है, खटाई की डालो तो दूध फट जाता है। ये तो जानते हो, खटाई डालने से दूध फट जाता है, लेकिन एक खटाई की बूंद से क्षीर समुद्र तो नहीं फटेगा। तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि भगवान राम कहते हैं लक्ष्मण, जैसे खटाई की बूंद से क्षीर समुद्र नहीं पड़ता, इसी रूप से जो सत्संग किए हुए हैं, सत्पुरुषों के साथ बैठे हुए हैं, उनको राज मिल जाए, धन मिल जाए, बल मिल जाए, विद्या मिल जाए, वो पागल नहीं होते। यानी कहने का प्राय, मद को नाश करने का एक ही उपाय है, ज्ञान। और ज्ञान की प्राप्ति होती है सत्संग में। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के विवेक प्राप्त नहीं होता। और सत्संग में विवेक कैसे होता है? का बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोहन भाग। मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। बिना सत्संग के भगवान की कथा नहीं मिलती। भगवान की महिमा सुनोगे तभी तो अपनी महिमा का बोध होगा कि तुम कितने महान हो। एक आदमी कहता, मैं बहुत बड़ा हूं, बहुत बड़ा हूं। कितने बड़े हो भाई? तुम अपने औकात तो देख लो, पांव से लेकर के सर तक, और इतने बड़े हो ना, और तुम्हारे पास है क्या वो भी देख लो। तो जिस दुनिया में तुम पृथ्वी पर रहते हो, उस पृथ्वी में तुम्हारे मकान दुकान या सारे वैभव का कहीं निशान नहीं लगा है, नहीं लगा है। वर्ल्ड के मैप में देख लो कहीं तुम्हारी कंट्री का कहीं निशान होगा, छोटा सा, बहुत छोटा सा। बड़ी कंट्री बड़ा निशान होगा, छोटी छोटा होगा। और जिस कंट्री का तुम्हारे जरा सा निशान है, उसमें तुम्हारी दुकानें मकानें तुम्हारा वैभव कहां है? कहते हैं तो पता नहीं। अरे भाई, जब तुम्हारा इस दुनिया में कोई अस्तित्व ही नहीं है, तुम किस पर अहंकार करते हो, किस पर मत करते हो? उस महामाया के वैभव को देखो, उस भगवती की महिमा को देखो। वो एक से अनंत होकर के और अनंत से पुनः एक होने की सामर्थ्य रखते हैं। ये महासरस्वती के चरित्र में बताया गया है। वह एक से अनंत हो जाती है और अनंत से पुनः एक होती है। और मद और मोह, जो मोह और मद, मोह बड़ा है, मद छोटा है, क्योंकि मोह से ही मद होता है। मोह माने बुद्धि का भ्रमित होना, उल्टी बुद्धि। मोह का अर्थ होता है उल्टी बुद्धि। सर्वार्थान विपरीतांश्य बुद्धि सापार्थ तामसी, और तमसो मोह एवच। तो तमो गुण से मोह उत्पन्न होता है, प्रमाद मोह तमसो बहुत अज्ञान एवच। प्रमाद मोह अज्ञान ये तमो गुण का परिणाम है। और तमो गुण का स्वरूप क्या है? सर्वार्थान विपरीतांश्य बुद्धि सापार्थ तामसी। तमो गुणी बुद्धि में सब कुछ उल्टे दिखाई देता है। सीधे आदमी लगता है कि शीर्षासन कर रहा है, और शीर्षासन करने वाला लगता है कि उल्टा सीधा खड़ा हुआ है। ये उल्टा होता है, उसको मद कहते हैं, मोह कहते हैं। और मोह से ही मद उत्पन्न होता है, तभी तो मद होता है कि मैं भी कुछ हूं। यदि परमेश्वरी की महिमा का बोध हो, उस परमेश्वर का एक अंश भी बोध हो, तो उसको मद किस बात का होगा? जहां मोह नहीं है वहां मद नहीं होता। इसलिए शुंभ और निशुंभ दोनों साथ साथ रहते हैं, ये दोनों सगे भाई हैं। और इनको मारने में देवता सक्षम नहीं, देवता शुंभ और निशुंभ को नहीं मार सकते। क्यों नहीं मार सकते भाई? का इसलिए कि उनमें भी तो थोड़ा थोड़ा अहम का बीज पड़ा रहता है। कहा तो त्रिदेव, कहा त्रिदेव भी तो लिमिटेशन में है। त्रिदेव जिसे कहते हैं
वो भी तो एक ब्रह्मांड के ही स्वामी है, वहां भी लिमिटेशन है। तो अनलिमिटेड पावर तो पराशक्ति का है, परमेश्वरी का है। इसलिए मोहम्मद को नाश करने के लिए बुद्धि ही पर्याप्त है। चेतन के प्रकाश में ही तो मोहम्मद उत्पन्न होता है। आपके इस शरीर में ये ब्रह्म चक्र है, या ये आपका टॉप ऑफ हेड ऐसे समझ लो अंग्रेजी में, यहां पर ये ब्रह्म चक्र है इसके नीचे, और यहीं पर आपकी चेतना का प्रकाश हो रहा है, और उस चेतना चेतन के प्रकाश से आपकी बुद्धि में चेतना जागृत होती है, और बुद्धि यदि शुद्ध है तो उसमें ज्ञान का प्रकाश होगा, और बुद्धि यदि अशुद्ध है तो उसमें मोह का विकास होगा, और मोह से ही फिर मद उत्पन्न हो जाता है, मैंपना, मैं भी कुछ हूं ऐसा, जिसको अहंकार भी कहो। तो ये दोनों किससे हुआ? चेतन के प्रकाश में हुआ। तो उसको चेतन नहीं हटाएगा, चेतन के प्रकाश में तो ज्ञान भी है और अज्ञान भी है, मोह भी है और बोध भी है, ये दोनों चेतन का प्रकाश तो प्रकाशित कर रहा है। ये दोनों उत्पन्न कहा हुए आपकी बुद्धि में। यदि बुद्धि विशुद्ध है तब वो मोह का निराकरण करके ज्ञान को प्रकाशित करेगी, बुद्धि यदि अशुद्ध है तो वहां पर ज्ञान नहीं होगा, अज्ञान का प्रकाश होगा। इसलिए मोह को नाश करने वाली बुद्धि है, बुद्धि के बिना मोह को कोई नाश करता। और बुद्धि की दात्री कौन है? वह सरस्वती पराशक्ति चेतना इसको कहते हैं। या देवी सर्वभूतेषु चेतना इति अभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वह चिति शक्ति स्वरूपा है, इसलिए उस परमेश्वरी की आराधना से ही मोह और मद का नाश होता है। तो जो उत्तर चरित्र है वो मोक्ष प्राप्ति का साधन है, और उसमें मोह और मद के नाश की कहानी है। मोह और मद का ही नाम है शुंभ और निशुंभ। तो मोह और मद क्या करते हैं? इनकी दो प्रकार की प्रवृत्तियां होती हैं। इन प्रवृत्तियों में सबसे बड़ी प्रवृत्ति यह होती है मद, जिसके आता है मद, मदांध जो हो जाता है, सोचता है सारी दुनिया तो मैंने जीत ली, अब दुनिया की जो श्रेष्ठतम वस्तु है उसका भोक्ता तो मैं हूं, सबका भोक्ता मैं हूं। जब सबका भोक्ता मैं हूं तो अब कौन ऐसी वस्तु है जो मेरे पास नहीं है? यदि उसको कहीं से पता चल जाए कि एक चीज है जो तुम्हारे पास नहीं है, फिर क्या करता है? फिर वो सोचता है कि वो मेरे पास क्यों नहीं है, उसको भी मेरे पास ही होना चाहिए, और फिर उसके लिए वो आगे बढ़ता है पाने के लिए, क्योंकि वो है इसलिए देख नहीं पाता कि वो मेरे पास हो सकती है कि नहीं। तो जब मद और मोह शुंभ और निशुंभ ने सारे देवताओं को जीत लिया, त्रिदेव भी कुछ नहीं बिगाड़ सके, तब वो भोक्ता बन गया सारे विश्व का, और यज्ञ का भोक्ता स्वयं बन गया, यज्ञ का भाग स्वयं लेने लगा। अब देवता और मुनि ऋषि सब रोने लगे कि अब क्या करें, तो सबने परमेश्वरी को पुकारा। तो परमेश्वरी जानती है जीव की कमजोरी क्या है, ये तो वो जानती है, सब उसकी महिमा है, उसकी क्रीड़ा है। तो परमेश्वरी एक सुंदर नारी के रूप में प्रकट हो गई और जाकर हिमालया की चोटी में बैठ गई। हिमालया की चोटी में जाकर बैठी जब, तो उसके दूत तो चारों तरफ घूमते थे शुंभ निशुंभ के। एक सुग्रीव नाम का दूत था उसका राक्षस, उसने जाकर देखा तो उस प्रकाश को देख करके आश्चर्यचकित रह गया, ये प्रकाश किसका? देखा ये प्रकाश तो जहां से निकल रहा है वो तो एक नारी है। वो लौट करके आया शुंभ निशुंभ के पास, कहने लगा राजन दुनिया में ऐसी वस्तु मैंने नहीं देखी। क्या नहीं देखी? अरे कहा दुनिया में जितने बड़े बड़े रत्न है वो तो सब तुम्हारे पास है, जितने बड़े बड़े रत्न हैं वो सब तुम्हारे पास हैं, और सबके तुम अधिपति हो, लेकिन एक रत्न तुम्हारे पास नहीं है। कहा वो क्या है? कहा वो एक नारी है, नारी भी रत्न है। कहा नारी रत्न है लेकिन वो तुम्हारे पास नहीं है। कहा वो कहाँ है? कहा वो पहाड़ पर हिमालया में बैठी हुई है, ऐसी नारी मैंने देखी नहीं दुनिया में। कहा कि तुम जाकर उसे कह दो कि शुंभ निशुंभ दुनिया के सारे शक्तियों के भोक्ता हैं, तो तुम भी रत्न अधीश्वरी हो, इसलिए तुम भी चल करके उनकी सेवा में उपस्थित हो जाओ। वो आए, आकर के भगवती से प्रार्थना की कि भाई भगवती जो देवी शुंभ निशुंभ जो हमारे राजा हैं उनके पास दुनिया के सारे भोग हैं, लेकिन एक तुम्हारी कमी है, तुम्हारी कमी है, तुम चल करके उनको
वरण कर लो तो वो दुनिया के अधिपति हैं, तुम्हारे ऐसा न उनको कोई वर मिलेगा, तुम्हारे ऐसी न तो उनकी स्त्री मिलेगी न उनके ऐसा तुम्हें कोई वर मिलेगा। भगवती ने मुस्कुराते हुए कहा कि देवता और दैत्य जितने दुनिया के प्राणी हैं, मैंने एक प्रतिज्ञा कर रखी है सबके सामने। क्या प्रतिज्ञा की है? कहा यो माम जेति संग्रामे, यो मे दर्पम व्यपोहति, यो मे प्रतिबले लोके स मे भर्ता भविष्यति। भगवती ने क्या कहा? जो मुझे संग्राम में जीत ले, युद्ध में। वाह, ये शिक्षा भारत की नारी ही दे सकती है, क्या समझे? ये दुनिया के इतिहास में कहीं है ऐसा? किसी देश में कोई ऐसी नारी हुई है जो लोगों को ललकारे कि मुझे जब संग्राम में जीत ले वो मेरा पति होगा? नहीं। यो माम जेत संग्रामे, जो संग्राम में मुझे जीते, यो मे दर्पम व्यपोहति, और मेरे घमंड को जो बीध दे, मेरा घमंड है बल का, इसको जो बीध दे व्यपोहति, और यो मे प्रतिबले लोके, जो मेरे समान दुनिया में बलवान होगा समय भरता भविष्य, वो मेरा पति होगा। पति की तलाश तो मैं कर रही हूं, पति को ढूंढने के लिए तो बैठी हुई हूं, लेकिन मुझे पति ऐसा चाहिए। वो राक्षसों ने सोचा भी है देखो। अरे सुकोमलांगी अबला दुनिया के सबसे महान वीर सुमन सुम को ललकार रही है। उन्होंने समझाया कि देवी इंद्र लेकर के, वरुण कुबेर लेकर के, अग्नि वायु कौन लेकर के, और क्या बोलते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश लेकर के, कोई भी उनसे नहीं लड़ सका, तो तू एकाकी स्त्री उनसे क्या लड़ेगी? भगवती कहती है भाई बात यह है कि मैंने प्रतिज्ञा कर ली, मैं प्रतिज्ञा तो छोड़ नहीं सकती, मैं अपनी प्रतिज्ञा से हट नहीं सकती। यदि तुम्हारे स्वामी में इतना बल है, तुम कह रहे हो तो उनको बुला लाओ, मेरे से युद्ध कर ले, युद्ध में यदि वो जीत लें तो मेरे पति बन जाए, मैं तो इनकार तो नहीं करती, मेरी तरफ से इनकार नहीं है, मेरी ये प्रतिज्ञा है कि जो मुझे युद्ध में जीत लेगा वो मेरा पति बनेगा। ये भगवती संदेश भेजती है, और इसके आगे क्या होता है ये तो कल पता चलेगा। 9:30 बज गया, ठीक है, घंटे से ज्यादा हो गए, मुझे बोलते प्रार्थना कर लो, आता कल बताएंगे कि भगवती क्या कहती है आगे और क्या नहीं। लेकिन याद रखो कि भगवती के उस करुणा को प्राप्त करने के लिए अपने आप को हंस बनाने की कोशिश करो, तभी तुम भगवती की कृपा के भाजन बनोगे, और उसकी कृपा प्राप्त करके ही तुम भोग और मोक्ष दोनों का लाभ उठा सकते हो, इस मनुष्य जीवन को सार्थक कर सकते हो। इतना मुझे कहना है, प्रार्थना करो। ओम भर्गुवा स्वाहा, ओम भर्गुवा स्वाहा, सवितुर्वरेण्यं तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि, भर्गो देवस्य धीमहि, यो यो नः प्रचोदयात्, यो यो नः प्रचोदयात्, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।